अयोध्या की जंग तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर देश का नाम बदलने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार संविधान की दुहाई दे रही है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र के बाद G20 के अधिकारियों के विजिटिंग कार्ड, प्रधानमंत्री के जकार्ता विजिट नोट में भी अंग्रेजी में इंडिया की जगह भारत का जिक्र है। तो क्या सरकार ने सिर्फ देश का नाम भारत रखने का मन बना लिया है, यानी सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल होगा? क्या सरकार ने अब इसको लेकर मन बना लिया है, क्योंकि कई जगहों पर ये परिवर्तन दिख रहे हैं? अब इंडिया नहीं भारत कहिए जनाब। मोदी सरकार अब यही कहना चाहती है, यही बताना चाहती है, यही जताना चाहती है। G20 के मेगा शो को लेकर राष्ट्रपति ने रात्रि भोज रखा है। 9 सितंबर को होने वाले इस हाई प्रोफाइल डिनर के लिए राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण पत्र आया है, तो पहली बार कार्ड में दिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। भारत की राष्ट्रपति तो पहले भी लिखा जाता रहा, लेकिन इस बार अंग्रेजी में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यह कोई इत्तफाक नहीं है, ना ही यह महज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया गया एक बदलाव मात्र है, बल्कि यह मोदी सरकार का नया रुख है। इसकी बानगी G20 के लिए अधिकारियों के पहचान पत्र में भी दिख रही है। और तो और, जकार्ता में हो रहे आसियान सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के फंक्शन नोट में भी प्रधानमंत्री ऑफ भारत का जिक्र है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस दौरे से हो गई थी, तब भी फंक्शन नोट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। संविधान में देश को भारत भी कहा गया है और इंडिया भी। संविधान की प्रस्तावना में ही है इंडिया, दैट इज भारत। अब तक हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अंग्रेजी में भी इंडिया की अनदेखी कर भारत का इस्तेमाल किया गया। No, India, that is Bharat. It is there in the Constitution. Please, I would invite everybody to read it. Look, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our Constitution as well. भारत और इंडिया का विवाद बढ़ा तो सरकार ने संविधान की दुहाई दी और विपक्ष ने इंडिया अलायंस का डर बता दिया, देश का नाम बदलने का आरोप जड़ दिया। रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत? विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार और बीजेपी की इंडिया से दूरी इंडिया अलायंस के बाद शुरू हुई है। 28 दलों का गठबंधन का नाम आने के बाद सरकार इंडिया नाम लेने से भी बचने लगी है। भारत से किसको परहेज है? हम तो कह रहे हैं कि इंडिया से परहेज क्यों कर रहे हो? जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, उसको मानो ना। उसी संविधान पे अटल जी ने शपथ लिया है, तुमने शपथ लिया है, अडवाणी जी ने शपथ लिया है, तुम्हारे सांसदों ने शपथ लिया है। अब कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, तो इंडिया साइनिंग का जो नारा दिया था अटल जी ने और अडवाणी जी ने, वो सब गुलामी के प्रतीक थे। दिस भारत वाज 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमें
हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था। तो इसीलिए आप आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, इंडिया यहां में रुका नहीं, आगे जाके बोला देखो वो भारत है, तो भारत इज द कोर वर्ड। शरद पवार ने इंडिया बनाम भारत को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता दिया। सवाल यह है कि क्या सचमुच सरकार देश का नाम सिर्फ भारत रखना चाहती है, इंडिया को हटाना चाहती है? इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए न सिर्फ 2/3 बहुमत चाहिए बल्कि आधे राज्यों की मंजूरी भी चाहिए। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह डाला कि अगर अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन छोड़ दें, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को उड़ा दें। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसराय के हाउस थे, लॉर्ड अरविंद पहले इसका बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे इंग्रेजों की ये वाइसराय हाउस थे, आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। वही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत का जिक्र करते हुए कांग्रेस को इटालियन संस्कृति की पार्टी बता दिया। भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी, जिस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से जो संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे तो उन्हें आपत्ति होगी।